नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज के वीडियो ब्लॉग में मैं जो है एक बहुत ही जो हाल फिलहाल में चल रहा है स्कैम पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड, उसके बारे में आपके सामने विवेचना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भाई दोस्तों, ऐसा है कि देश भर में कई जगहों पर जो है ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका उल्लंघन हो रहा है। हो ये रहा है कि लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ना करवा के जो प्रॉपर्टी जिसमें किसी तरह का कोई विवाद हो या फिर कोई प्रॉपर्टी कच्ची पक्की बेची जा रही हो या बहुत सारी जगह जो है पावर ऑफ अटर्नी यानी कि मुख्तारनामा करके जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यानी कि सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे जो है रजिस्ट्रियाँ नहीं करके प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी प्रिपेयर किया जा रहा है। इस पर अभी हाल फिलहाल में हुआ ये है कि यूपी के जो प्रमुख गृह सचिव हैं उन्होंने इस पर SIT का गठन कर दिया है। हाल फिलहाल में मामला प्रकाश में आया था, एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से भी रिपोर्ट किया गया कि नोएडा और गाज़ियाबाद के जो सब रजिस्ट्रार हैं, टू बी प्रिसाइज गौतम बुद्ध नगर के जो सब रजिस्ट्रार हैं प्रॉपर्टी के, उन्होंने जो है कई सारे जो है इस तरह के मुख्तारनामों का रजिस्ट्रेशन किया है जो कि एक इलीगल एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जो मैनुअल है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, साथ साथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट जो है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड, ये सब का वायलेशन करता है। आप सब लोग जो मेरे दर्शक हैं, जो लोग इस वीडियो ब्लॉग को देख रहे हैं, भाई देखिए प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर से ही होता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी बना के अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जो है प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं तो ये सबसे पहले तो सरकार के राजस्व का भी नुकसान है और दूसरा ये जो है कोई वैलिड प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है। भाई प्रॉपर्टी का टाइटल के लिए आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ टांच यानी कि कुछ ना कुछ कमी है या ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बार बेच दी गई हो। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया है ये आप सब लोगों को सतर्क करने के लिए बनाया है। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप भी ऐसे किसी विवाद में फंस गए हैं जिसमें जो है आप इसके शिकार हो गए हैं, ये जो पावर ऑफ अटर्नी जो भू माफियाओं साथ साथ जो है प्रॉपर्टी डीलर्स साथ साथ में कुछ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके किसी झांसे में आके अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कोई प्रॉपर्टी का आप ओनर बन रहे हैं तो आप समझ लें कि ये एक इलीगल एक्ट है। पावर ऑफ अटर्नी सस्टेन नहीं करती है, यू विल हैव टू हैव अ रजिस्ट्री, प्रॉपर रजिस्ट्री आपको करानी होगी। दोस्तों ऐसे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग उसका सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जैसा कि मैं पहले कह रहा था कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।